अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शेफ सुनैरा, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही डेलीशियस और यम्मी है और एकदम आसानी से बन जाने वाली। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे और एकदम जूसी यम्मी और चीज़ी रेसिपी है। चिकन लेग पीस ब्रेड, इसको हम घर पर तैयार करेंगे और ये इवनिंग टाइम टी टाइम के लिए बहुत ही बेस्ट है और बच्चों के लंच टाइम के लिए या बर्थडे पार्टीज़ के लिए या हम कभी भी इसको एंजॉय कर सकते हैं टी टाइम पर या स्पेशल गेस्ट आए हों तो एकदम से तैयार हो जाने वाली। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कप मैदा लिया है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून चीज़, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक फ्रेश एग डाला और जो है ऑयल यूज़ किया है 1 टेबलस्पून। ल्यूकवार्म मिल्क और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टली हम मिक्स करते जाएंगे और फिर एक अच्छी सी डो रेडी कर लेंगे। अब हम बाकी का काम अपने हाथ की मदद से करेंगे। एकदम रनी डो रेडी करेंगे जिसमें ये जो हमारी डो है वो स्टिकी होना शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। ये हमारी डो, हमने इसको इस कदर जो है नीट किया है कि ये स्टिकी होना शुरू होगी और बाउल के साथ और हैंड्स के साथ चिपक रही है। हमने इसको तब तक गूंथते जाना है तब तक ये स्टिकनेस इसकी ख़त्म ना हो जाए। यहाँ पर हमारी डो जो है अच्छे से गूंथ चुकी है, इस पर मैंने ऑयल अप्लाई किया और इसको हम इस तरह से कवर करके रख देंगे। अगर एयर टाइट कंटेनर है तो आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रख के किचन में किसी भी गर्म जगह पर रख दें ताकि डो जो है अच्छे से राइज हो जाए। तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा के लिए हम डो को राइज होने के लिए रख देंगे। अब मैंने 8 से 9 लेग पीस लिए हैं फ्रेश, उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च ली है मैंने 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने लिया है मैंने क्रश चिली फ्लेक्स, गरम मसाला लिया है रोस्टेड 1 टीस्पून और धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, लेमन ऐड किया है 1 और टिक्का मसाला लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून और तमाम चीज़ों को इसमें ऐड किया। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही मैंने चिली सॉस लिया। हम इनको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। इसकी जो मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और मैरिनेशन का टाइम जो है तकरीबन 1 घंटे हो। अब मैंने 1 घंटा गुजर चुका है, मैंने एक पैन में ऑयल गरम किया और तमाम जो मेरे लेग पीस थे मैंने इसमें डाल दिए। जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू हुआ तो मैंने इसको ढक के छोड़ दिया ताकि अपना पानी छोड़ दे और अच्छे से टेंडर करने के बाद हम इसको इस तरह से खुश कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारा जो है लो फ्लेम पर ये टेंडर होंगे लेग पीस और फिर हम इस तरह से ड्राई कर लेंगे।
अब हम रेडी करके रख लेती हैं अपने डिश को। इसको मैं इस पर मैंने ऑयल अप्लाई किया और बटर पेपर लगाया। आप कोई न्यूज़पेपर या कोई भी कागज़ आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एग बीट किए हैं मैंने डो पर अप्लाई करने के लिए। तकरीबन एक घंटे के बाद जो है हमारी डो राइज हो चुकी है एंड यू कैन सी कितनी अच्छी डो बनकर रेडी हुई है। सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो इसी तरह से डो आपकी भी बनकर रेडी होगी। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी आपका निम गर्म होना चाहिए और डो अच्छे से नीट की हो। अब हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे। जिस कदर डो को गूंदा जाएगा उतनी ही अच्छी डो बनकर तैयार होगी। यहाँ पर मैंने ऑयल अप्लाई किया है। मैदा में डस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैदे को बार बार डस्ट किया जाता है और ऑयल जो है एक बार में यूज़ करके बहुत ही सॉफ्टली हैंड से जितना आप इसको कर सकते हैं इतना इस हद तक फैला सकते हैं। अब मैंने एक रोलिंग पिन की मदद से जैसे रोटी को बेला जाता है मैंने इसको बेल लिया। इसके एजिस को हम अच्छे से प्रेस करेंगे, कहीं से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए डो हमारी, ना ही बहुत सख्त और ना ही बहुत सॉफ्ट। यहाँ पर मैंने ग्लास की मदद से शेप्स रेडी कर ली और बाकी जो ये बचने वाला हमारा डो का मटेरियल है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम मज़ीद बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सॉस तैयार किया है। एक मैंने केचप लिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस लिया और सोया सॉस लिया मैंने 1/2 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया इसमें और बिल्कुल लाइट सा हसब ज़रूरत नमक ऐड किया। नमक का यूज़ हम ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने चीज़ ऐड की है, आप चाहे तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं बट चीज़ ऐड करने से एक टेस्ट का जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाता है। अब ब्लैक पीस लेंगे और ब्रेड के जो हमने डो ब्रेड के लिए ली थी इससे हम कवर कर देंगे लेग पीस को। इस तरह से सेम हम लेग पीस की शेप देंगे और ट्रे पर ज़रा फासले से रखेंगे तमाम लेग पीसीज को। इस तरह से सॉफ्टली हैंड से इसको आहिस्ता आहिस्ता से खींच कर यहाँ पर लॉक कर देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम शेप्स रेडी करेंगे वरना डो जो है वो डैमेज हो जाएगी। इस तरह से इसको लाइट लाइट खींचेंगे और यहाँ पर लाकर इस तरह से लॉक कर देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। इसके बाद इनको इस तरह से फासले पर रखेंगे, साथ नहीं रखेंगे वरना ये आपस में चिपक जाएंगी। यहाँ पर एग अप्लाई किया ब्लैक पेपर और तेल की और 180 डिग्री पर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इनको बेक करने के लिए रख दिया था और ये रेडी हो चुकी हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। एकदम आप देख सकते हैं नहायत ही खूबसूरत कलर है और बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। ये इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने ऑयल अप्लाई किया एक अच्छी सी शाइन देने के लिए और एक प्यारी सी लुक के लिए। इनको रेडी करके हम इन पर एक थोड़ा सा जो है कोई भी वेट क्लॉथ हम
हम कवर कर देंगे गीले कपड़े से, ताकि ये जो है ज़रा जब बनकर रेडी होंगी तो थोड़ी सी ऊपर से हार्ड होंगी और गीले कपड़े से जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद इसको चाय के साथ इंजॉय करें। दूसरा मैंने जो है विदाउट ओवन भी रेडी किया इसी तरह से। उसमें मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल के और स्टैंड रखा है, और स्टैंड के ऊपर मैंने जो है ये अपने लेग पीस रखे हैं और कवर कर दिया था इसको भी मैंने 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये विदाउट ओवन हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। किसी भी पतीले या कढ़ाई को हम पहले से 8 से 10 मिनट पहले प्री हीट कर लेंगे, और इसी तरह ही ओवन को। एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पिज़्ज़ा से कहीं ज़्यादा बेटर है। इन पर भी मैंने अच्छे से ऑयल अप्लाई किया, आप चाहे तो बटर अप्लाई कर सकती हैं। और इनको इस तरह से फासले पर ही रखेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रहे, और साथ रखने से जो आप उसमें चिपक जाएंगे और टूट जाएंगी। अब सर्व करने के लिए रेडी हैं, आप बच्चों के साथ इंजॉय करें या किसी भी कोई भी गेस्ट हैं उनके साथ। मटेरियल आप रेडी कर सकते हैं, ये मटेरियल जो लेग पीस है इसकी मैरिनेशन टाइमिंग का आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होंगी। आप मैरिनेट करके रखते हैं 1 से 1.5 माह के लिए, और उसके बाद जब दिल चाहे इस तरह से डो को गूंद कर आप इस तरह से रेडी कर सकती हैं। यहाँ पर केचप, मायोनीज या जो भी सॉस आपके साथ है। चिकन लेग पीस ब्रेड या बर्गर हम कह सकते हैं रेडी है हमारा। अगर आपको मेरी ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आए तो अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।